17 इंच का टायर आपको व्हील का देखने के लिए मिल जाएगा और काफ़ी ब्लैक ब्यूटी, काफ़ी जबरदस्त कार आप। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनसीआर इवेंट्स के एक और नए व्लॉग में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपको ऑटो एक्सपो 2023 जो कि ग्रेटर नोएडा में लगा हुआ है। इस वीडियो में ऑटो एक्सपो 2023 से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, क्या टिकट प्राइस है, क्या टाइमिंग है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है और क्या क्या फ्यूचर के व्हीकल्स आप इस एक्सपो में देख पाएंगे, क्या हाइड्रोजन पेट्रोल डीजल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों का राज होगा या इलेक्ट्रिक व्हीकल की जबरदस्त धूमधाम होगी यहाँ पर। इसी तरह की सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हॉल बाय हॉल शेयर करते हैं। इस बार का ऑटो एक्सपो बेहद खास है जो कि 3 साल के बाद लग रहा है। यहाँ पर आप फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली कार, सोलर एनर्जी से चलने वाली कार, पेट्रोल डीजल सीएनजी और हाइड्रोजन से चलने वाली काफ़ी सारी फ्यूचर की कॉन्सेप्ट कार भी आप देख सकते हैं। साथ में ईवी से चलने वाली कार्स के कंपनीज ने काफ़ी सारे मॉडल एक्सपोज किए हैं। इस बार के ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड से चलने वाली कार्स कंपनीज ने अपने काउंटर्स पर शो की हैं। साथ में सुपर बाइक्स के दीवानों के लिए सुपर बाइक्स की भी काफ़ी सारी रेंज आपको इस ऑटो एक्सपो 2023 में देखने के लिए मिल जाएगी। और ये आप सामने देख पा रहे हैं तो इस तरह की जो रेंज आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये है एक्सपो का पार्किंग एरिया। राइट साइड में आप देखेंगे तो ये पार्किंग एरिया है, गाड़ी या बाइक की आप पार्किंग यहाँ पर आसानी से पार्क कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो रोड क्रॉस करने के बाद में यहाँ का टिकट काउंटर है जहाँ से टिकट्स लेने के बाद में आप सकते हैं। और टिकट्स की मैं बात करूँ तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही बोर्ड पर टिकट्स आपको मिल जाएगा, पर प्रिफरेबल रहेगा कि आप ऑफलाइन टिकट लेंगे तो आप ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एक लंबी जो लाइन है उससे बच जाएंगे और आप आसानी से एक्सपो के अंदर जा पाएंगे। अभी हम आ चुके हैं यहाँ के टिकट्स काउंटर पर। टिकट्स काउंटर आपको सामने दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो टिकट की जो प्राइस की बात करूँ तो प्राइस आपको ये 750 का पड़ने वाला था जो ख़त्म हो चुका है डेट, और उसके बाद में आपको आज का जो टिकट प्राइस है वो 475 का पड़ने वाला है और नेक्स्ट 2 डेज़ में 350 का टिकट प्राइस पड़ने वाला है। तो इस तरह का यहाँ पर टिकट प्राइस आपको सामने दिखाई दे रहा है और उसके बाद में यहाँ से आप टिकट्स लेने के बाद में उस साइड में जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं हम हॉल नंबर 9 से, जहाँ पर मारुति सुजुकी की कार्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। न्यू टेक्नोलॉजी की कार्स और नए कॉन्सेप्ट पे जो कार्स आई हुई हैं वो सभी देखने के लिए मिलती हैं, मिल जाएंगी। करते हैं वीडियो को स्टार्ट और पीछे की साइड में हॉल नंबर 9 है उसमें एंट्री लेते हैं और सारी डिटेल्स और जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। सामने आप देख पा रहे हैं हॉल नंबर 9 और हॉल नंबर 9 के शोरूम में जो आपको फर्स्ट वाली जो कार देखने के लिए मिल जाएगी उसका नाम है ग्रैंड विटारा और ये हाइब्रिड कार है और ब्लैक कलर की जो ब्यूटी एकदम जबरदस्त दिखाई दे रही है। टायर्स आप देखेंगे तो काफ़ी जबरदस्त दिख रहे हैं और शाइनिंग आपको देखने में कितनी जबरदस्त लग रही है। तो ये ग्रैंड विटारा है और काफ़ी हाइब्रिड कार है ये। तो इस तरह के जो कार है आपको फर्स्ट जो मारुति के जो हॉल में देखने के लिए मिल जाएगी। तो सेकंड वाली जो कार आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है वो जिमी है और ब्लैक ब्यूटी ये लग रही है, काफ़ी सुंदर देखने में लग रही है। और टायर देखो भाई, इसके कितने जबरदस्त टायर दिख रहे हैं, तो थार की लुक में से आपको दिखाई दे रही है। ये दो कार आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं और आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट जो आपको कौन कौन सी कार्स देखने के लिए मिलने हैं वो सभी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। इस साइड में काफ़ी सारी कार हैं और सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस साइड में बलूनो आपको देखने के लिए मिल जाएगी और ये भी काफ़ी ब्यूटी लग रही है। तो क्या चेंजेस किए हैं वो भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं अभी इस कार के बारे में। मारुति की जिमनी एक 4x4 कार है और 5 डोर्स इस कार में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी इसकी लॉन्चिंग डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट होपफुली मई मंथ में लॉन्चिंग इसकी अनाउंस्ड हो जाएगी। और इस तरह की जो कार है उसको आप देख सकते हैं। तो अभी जो सामने आप देख पा रहे हैं ये मारुति की नियॉन कलर की कार है और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। काफ़ी लोग बाग इस पर बैठ भी रहे हैं, पीछे की साइड में लाइन लगी है और देखने के बाद में फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे हैं। काफ़ी सुंदर कार ये देखो देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर भी इस तरह की जो कार्स हैं आप उनको देख सकते हैं। भाई टायर कितना ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, बिल्कुल थार के लुक में दिखाई दे रही है और काफ़ी ज़बरदस्त ये कार आपको देखने के लिए लग रही है। क्राउड काफ़ी आज सैटरडे है और मारुति के जो स्टॉल में काफ़ी सारी कार्स और भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जानने की कोशिश करते हैं भाई कौन कौन सी नई कार देखने के लिए मिलेंगी। क्राउड भाई इस आज एक्सपो में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है और इस तरह की जो भीड़ है आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। तो ये भी अभी कार यहाँ पर पीछे की साइड पर बैक करके शोकेस कर रहे हैं और इस साइड में भी एक कार आपको देखने के लिए मिल रही है। और टायर देखो भाई क्या जबरदस्त टायर आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर।
क्या फील है टायर की और क्या लुक लग रहा है टायर गाड़ी का। तो ये भी मारुति की कार है और काफ़ी ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त देखने के लिए यहाँ पर ये मिल रही है। देख सकते हैं अभी जो आप सामने देख पा रहे हैं ये मारुति की एक और ईवी की नई कार है और मॉडल आप देखिए कितना जबरदस्त आपको दिखाई दे रहा है। 2025 में ये लॉन्च होने वाली है और शेप देखिए कितनी जबरदस्त शेप आपको यहाँ पर इसकी कार की देखने के लिए मिल रही है। तो इसी तरह की और कॉन्सेप्ट कार आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। 17 इंच का टायर आपको व्हील का देखने के लिए मिल जाएगा और काफ़ी ब्लैक ब्यूटी काफ़ी ज़बरदस्त ये कार आपको देखने के लिए मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह की काफ़ी सारी कार्स आपको और दिखाते हैं। तो दोस्तों मारुति की एक और कॉन्सेप्ट कार फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली कार है उसके पास आ चुके हैं जो कि 2025 में लॉन्च होने वाली है और फ्यूल की काफ़ी सारी वैरायटी की कार मारुति ने लॉन्च की है, उनमें से एक फ्लेक्स फ्यूल भी है और काफ़ी बेहतरीन लग रही है ये कार। अगर इसकी हम डिगीज वगैरह को ओपन करके देखें तो देखते हैं भी क्या स्पेस इसमें देखने के लिए मिलता है। 2025 में ये गाड़ी लॉन्च होगी और इस तरह की जो लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगी, काफ़ी बड़ा पीछे की जो डिग्गीज़ है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। और अभी कार को क्लोज करते हैं तो इस तरह की जो फ्लेक्स फ्यूल वाली कार है वो देखने के लिए मिल जाएगी और भी काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट कार हैं उनको देखने के लिए चलते हैं। तो ये भी एक कार उनमें से आपको दिखाई दे रही है और ये भी काफ़ी सुंदर कार देखने में लग रही है। काफ़ी लोग बैठे हुए हैं तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं और फील कर रहे हैं भाई किस तरह की ये अंदर से देखने में लगने वाली है। तो इसका भी इंटीरियर काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है और व्हील देखो भाई क्या ज़बरदस्त व्हील है और लुक भी काफ़ी इसका अच्छा देखने में लग रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं मारुति की एक और खूबसूरत कार जिसका नाम है ग्रैंड विटारा और देखने में काफ़ी स्टाइलिश और ब्यूटीफुल लग रही है ये भी और काफ़ी सारे लोग बाग बैठे हुए हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो इसका जो लुक है वो भी काफ़ी ट्रेंडी और ब्यूटीफुल लग रहा है। थोड़ा अभी बूट स्पेस खोल कर ओपन करके देखते हैं भाई किस तरह का जो बूट स्पेस है। और ये भी हाइब्रिड कार है तो मारुति ने एक से एक बढ़कर जो हाइब्रिड कार की रेंज है वो निकाली हुई है और बढ़ते हैं आगे भी और भी कारों को देखने के लिए। दोस्तों मारुति सुजुकी काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट और हाइब्रिड कार्स और एथेनॉल से चलने वाली फ्लेक्स फ्यूल वाली कार देखने के बाद में अब हम आ चुके हैं बाइक्स के सेक्शन में और जो कि अभी सुपर बाइक्स हैं और वो काफ़ी फेमस बाइक है। तो अभी बाइक के बारे में देखते हैं भाई ये सामने किस तरह की जो बाइक्स यहाँ पर अवेलेबल है। आपने सामने जो देख पा रहे हैं ये हायाबुसा है और रेसिंग बाइक्स है, 1000 cc से ऊपर की ये बाइक्स होती है और काफ़ी देखने में लुक्स इसकी कितनी ज़बरदस्त लग रही है और काफ़ी ज़बरदस्त और अमेजिंग बाइक लग रही है। ये येलो वाली बीबी स्टोर में और काफ़ी ये भी ब्यूटीफुल लग रही है। तो इस तरह की बाइक्स आप देख सकते हैं। इंजन कैपेसिटी आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1340 cc मतलब ये अप्रोक्स 1400 cc की ये बाइक होने वाली है और काफ़ी बेहतरीन बाइक ये देखने के लिए मिल रही है आपको। तो इस तरह की जो बाइक्स है आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी, 4 वॉल्व है और काफ़ी ब्यूटीफुल और बेहतरीन बाइक है। अभी सामने जो आप गाड़ी देख पा रहे हैं ये मारुति की ग्रैंड विटारा है और काफ़ी स्टाइलिश और ब्यूटीफुल लग रही है और इस साइड में आप देखेंगे तो इस साइड में भी आपको ब्रेजा देखने के लिए मिल जाएगी और कलर भी काफ़ी ट्रेंडी लग रहा है। ग्रिल आप देखिए कितनी ज़बरदस्त ब्लैक कलर की जो ग्रिल दिखाई दे रही है और काफ़ी ज़बरदस्त ये भी गाड़ी आपको देखने के लिए मिल रही है। ब्लैक कलर की ग्रिल है, नीचे की साइड में फॉग लैंप है और काफ़ी बेहतरीन गाड़ी दिखाई दे रही है। इस मारुति से आगे आगे जाएंगे तो इस साइड में ये कंप्लीट जो पेविलियन दिखाई दे रहा है आपको ये टोयोटा का पेविलियन दिखाई दे रहा है और मारुति की जो गाड़ी देखने के बाद में अभी चलते हैं टोयोटा के पेविलियन पर और सारी डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं भाई किस तरह की यहाँ पर टोयोटा की गाड़ी आपको देखने के लिए मिल रही है। क्राउड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर भी और ये टोयोटा की गाड़ी आ गई है।
भाई मारुति के स्टॉल पर इस तरह के जो शोज हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे और काफ़ी क्राउड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है इस साइड में भी और इस साइड में भी। और बढ़ते भी नेक्स्ट स्टॉल के पास में। तो दोस्तों अभी सामने आप गाड़ी देख पा रहे हैं, ये है टोयोटा की लीजेंडर और वाइट कलर में, क्या ब्यूटीफुल लग रही है। व्हील देखिए आप कितना जबरदस्त दिखाई दे रहा है। इस तरह की गाड़ी भी आपको टोयोटा की देखने के लिए मिल जाएगी। अभी नेक्स्ट काफ़ी सारी गाड़ीज यहाँ पर अवेलेबल है और इस साइड में भी फ्यूल फ्लैक्स फ्यूल पर जो बेस जो गाड़ी है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इस साइड में भी काफ़ी सारी गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और मेरा जो माइंड अट्रैक्ट कर रही है वो ये ब्लू कलर की जो गाड़ी है मेरा ही ये अट्रैक्ट कर रही है और ये कितनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल गाड़ी लग रही है। फ्रेंड से देखने की कोशिश करते हैं भाई किस तरह की जो गाड़ी है देखने के लिए लग रही है और काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी भी। तो दोस्तों टोयोटा की एक और खूबसूरत गाड़ियों में से एक है, ऑफ रोड के लिए गाड़ी है और काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है एक्सट्रीम ऑफ रोड के लिए। भैया देखिए टायर्स का भी देखिए कितना जबरदस्त टायर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इस तरह की जो कार्स है आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट कार है और काफ़ी बेहतरीन कार ये भी देख ले रही है। तो इस तरह की गाड़ी में भी आप वीडियोज़ खींच सकते हैं, फोटोज़ बना सकते हैं और काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। और क्राउड आप भाई हम देख लिए कितनी जबरदस्त क्राउड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अभी हम हुंडई की एक और कॉन्सेप्ट और ब्यूटीफुल कार के पास आ चुके हैं जिसका नाम है मिराई और कितनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल लग रही है इस तरह की जो कार्स हैं इस एक्सपो में अगर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। और इसकी जो हेडलाइट है वो कितनी सुंदर लग रही है, ग्रिल सामने देखिए ब्लैक कलर का ग्रिल है कितना ज़बरदस्त लग रहा है और अल्टीमेट कार है देखने में कितनी ज़बरदस्त आपको देखने में लग रही है। अभी जो सामने आप कार देख पा रहे हैं ये ईवी ड्राइव की कार है, सेल्फ चार्जिंग है और इसमें हाफ पोर्शन कट करके दिखाया गया है कि भाई किस तरह से ये वर्क करेगी और पूरा कम्प्लीटली आपको शो करके दिखाया गया है कि ई ड्राइव वहाँ पर है, गैसोलीन इंजन है और इसमें 2.0 होगा गैसोलीन इंजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और साइड एयरबैग भी उस साइड में दिखाई दे रहे हैं, कैमरा सेंसर हैं और उस साइड में भी एयरबैग्स आपको दिखाई देने के लिए दिखाई दे रहे हैं, फ्लैट फ्लोर है। और इस तरह की जो आप कॉन्सेप्ट कार है वो भी देख सकते हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है और कट करके दिखाया गया है तो इससे आपको आसानी से इन सब कारों को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों अब हम जिस सेक्शन में आ चुके हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारी विंटेजेस कार हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी और पुरानी जो टाइम की जो कार्स हैं वो यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की जो कार हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, ये पुरानी वाली जो एम्बेसडर है वो देखने के लिए मिल रही है, इस टाइप भी की जो कार है और आगे जो आगे जाएंगे तो आपको भी काफ़ी अलग अलग तरह की जो कार्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आप जाएंगे तो येलो कलर की जो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये कार
इस साइड में भी कार बने, तो इस तरह की जो विंटेज कार हैं आपको इस सेक्शन में आकर देखने के लिए मिल जाएंगी। टोयोटा और मारुति के जो स्टॉल है उनके पास में ही मिल जाएगी आपको। सामने टोयोटा का स्टॉल है, उसके बैक साइड में मारुति का स्टॉल है, और यहाँ पर ये विंटेज कार का सेक्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हम एक ऐसे सेगमेंट में आ गए हैं जहाँ पर काफ़ी सारी स्कूटीज इलेक्ट्रिक से चलने वाली आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। काफ़ी नई नई लॉन्च होने वाली है और कुछ स्कूटीज काफ़ी लॉन्च भी हो चुकी है, तो अभी जानने की कोशिश करते हैं अभी किस तरह की जिनकी मैक्सिमम आउटपुट है, क्या पावर है इनका, और एक बार चार्जिस में कितने किलोमीटर तक ये चलती है। तो इस तरह की जो स्कूटीज हैं आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। ग्रीव्स का ऊपर आप स्टॉल देख पा रहे हैं, और यहाँ पर अलग अलग टाइप की जो स्कूटीज हैं वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये जो स्कूटीज आपको देख पा रहे हैं ये प्राइमा प्लस है, तो इस तरह की जो स्कूटीज है आपको यहाँ पर आकर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं पावर की और बैकअप की बात करूँ तो उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये डिटेल्स है, ड्यूअल टोन से स्पोर्टी है, 3 मोड्स मिल जाएंगे आपको, और 55 से 60 किलोमीटर के बीच में ये चार्ज हो जाती है। तो इस तरह की जो स्कूटीज है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अभी ये मॉडल रिबाउंड से नहीं हुए, तो इस तरह के जो मॉडल्स हैं वो भी आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। ईवी से चलने वाली सारी स्कूटीज है, और ये वाला स्कूटी एंड मॉडर्न डिजाइन है, हाई परफॉर्मेंस है इसकी और फास्ट चार्जिंग है इस वाली स्कूटीज की। तो मॉडल एक से एक देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, और उस साइड में भी एक स्कूटी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो देखते हैं भी ये किस तरह की जो स्कूटीज है, इसमें कुछ डिलीवरी वगैरह का सामान जो ले आते हैं वो आपको इस स्कूटी में देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये कम्प्लीट रेंज आपको स्कूटी की यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में स्विच कंपनी की जो डबल डेकर बसेस है जो मुंबई में अभी ऑपरेशनल है उसके पास आ गया हूँ। पीछे की साइड में आप बस देख रहे हैं, और इस तरह की बस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे की साइड में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और ऊपर की साइड में भी। तो टोटल मिला के 65 सीटर ये बसेस है, और 33 जो पैसेंजर की कैपेसिटी आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगी, और ऊपर की साइड में भी 32 जो पैसेंजर हैं वो आप बैठ पाएंगे। तो इट मीन्स 65 पैसेंजर्स इस बस में बैठ सकते हैं। टोटली फुल्ली तरह से जो इलेक्ट्रिक है, और इस तरह की जो बसेस हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर मैं और थोड़ी डिटेल में जानने की कोशिश करूँगा तो ये डबल डेकर बस है और फुल्ली इलेक्ट्रिक है, और इस तरह की जो चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। सीटिंग कैपेसिटी जो है 65D है, तो इस तरह की जो चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और काफ़ी सुंदर ये बस लग रही है, इसके ऊपर की टॉप फ्लोर में भी बैठ सकते हैं। मुंबई में आपको काफ़ी इस तरह की जो बसेज हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। और अभी आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों की जो बसें हैं उनको कोई बढ़ावा दे रही है। तो नीचे की साइड में 32 और ऊपर की साइड में 33, तो 65 बंदे इस बस में आकर बैठ सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सुपर कार के सेक्शन में, और आपको जो फेमस सुपर कार है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अलग अलग तरह की जो सुपर कार है अलग अलग कलर्स में देखने के लिए मिल जाएंगी। कितनी सुंदर और ब्यूटीफुल लग रही है ये भी कार, ऊपर से ओपन है, और इस साइड में भी रेड कलर की आपको कार देखने मिल जाएगी, उस साइड में येलो, और उस साइड में ब्लू कलर की कार देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये पूरा सुपर कार का सेक्शन है, और यहाँ पर आप इन सब जो कार हैं उनको आप देख सकते हैं। बात करें पोर्शे 718 बॉक्सर की, तो ये जो काफ़ी हाईटेक कार है और काफ़ी बेहतरीन कार ये देखने की लग रही है। उस साइड में देखेंगे तो वाइट कलर की भी कार लग रही है, और वो भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। और प्राइजेस की बात करूँ तो भाई साहब प्राइजेस आप देख लो जी, मैं बताना नहीं चाहता, आप खुद देख लो, 95 लाख कीमत है। यू कैन इमेजिन इस तरह की जो कार्स आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी, यहाँ से लेकर एंड तक। ये कम्प्लीट सुपर कार का सेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये जो भी आप सामने देख पा रहे हैं ये अशोक लेलैंड का इलेक्ट्रिक सेगमेंट है, और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कार, बाइक्स और कॉमर्शियल जो व्हीकल हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो दोनों साइड में आपको कॉमर्शियल कार और जो बसेस है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। बेसिकली जो कॉमर्शियल बसेस हैं वो आपको यहाँ पर दोनों साइड में देखने के लिए मिल जाएगी, इस साइड में भी, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो इस तरह की जो कॉमर्शियल आइटम्स हैं वो भी आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे स्टॉल को कवर करने के बाद अब हम आ चुके हैं एमजी के स्टॉल पर, और पीछे की साइड में एमजी का स्टॉल लग रहा है। तो जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी नई नई कार्स गाड़ियां आपको देखने के लिए मिलने वाली है, और फ्यूचर की क्या क्या टेक्नोलॉजी
आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए अभी चलते हैं सामने एमजी के स्टॉल पर। एमजी के स्टॉल पर जो गाड़ियाँ हैं वो आपको सामने देखने के लिए मिल जाएगी। सामने ही एक इस तरह की जो गाड़ी है एस्ट्रो, वो देखने के लिए मिल जाएगी और काफ़ी ब्यूटीफुल लुक है इस गाड़ी का देखने के लिए यहाँ पर लग रहा है। तो इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी और जो काफ़ी सुंदर लग रही है गाड़ी देखने में। तो एमजी के सेगमेंट में आपको जो मोस्ट ऑफ द कार मिलेगी इलेक्ट्रिक मिलेगी और ऊपर लिखा हुआ है ऑल इलेक्ट्रिक। तो अभी ये भी कार जो आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक कार है और सामने की साइड में ग्रिल देखिए कितनी जबरदस्त ग्रिल आपको देखने के लिए इसकी मिल जाएगी। अंदर से थोड़ी बैंड है और हेडलैम्प पर देखिए कितनी जबरदस्त आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। काफ़ी ब्यूटीफुल कार है ये भी और काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में भी। इस साइड में जाएंगे तो आपको एक रेड कलर की कार देखने के लिए मिल रही है। तो देखते भी इस कार के बारे में भी और ये ऊपर लिखा हुआ है ऑटोनोमस लेवल 2। तो इस तरह की जो कार्स हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो भी आप सामने देख पा रहे हैं एमजी का एक और मॉडल आपको दिखाई दे रहा है और ये मॉडल भी काफ़ी खतरनाक और बेहतरीन लग रहा है। सामने की ग्रिल देख पा रहे हैं कितनी लंबी ग्रिल देखने की मिल रही है और हेडलाइट देखिए कितनी जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। लंबी ग्रिल इसकी जो खूबसूरती है उसको और निखार रही है, रेड में काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। इस तरह की जो कार्स आप देख सकते हैं अंदर भी बैठ सकते हैं और फोटोज़ वगैरह जो है अपने क्लिक करा सकते हैं। तो इस तरह की जो कार्स आपको देखने के लिए मिल रही है। ऊपर इट्स ह्यूमन थिंग लिखा हुआ है और ऑटोनोमस लेवल 2 है। और भी अगर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कौन कौन सी कार्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। अभी ये जो ZS ये EV है, अभी जो कार आप देख पा रहे हैं ये ZS EV है, EV वाली कार है और आपको यहाँ देख पा रहे हैं इस तरह की जो कार आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। खूबसूरत कार है और एक फैमिली के लिए काफी मस्त एक्सेसरी वाली कार आपको देखने के लिए मिल जाएगी। You must use our hashtag which is MG and AutoX for 2023, tag MG Motor India, and if you upload this post, if you come and show it to us by then, that can be converted into, you know, your energy machine. And if you're going camping, if you're going trekking, agar aap kisi trip pe ja rahe hain, you don't have to worry about charging your phones, your laptops, or even getting yourself a cup of coffee, because your MG car will do this for you. So the kids can come home and enjoy and vlog. I'm sure you guys love it. And can I just navigate through all of this? यहाँ पर आपको 6 बेस ऑफ इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम चार्जिंग का दिखाई दे जाएगा और इस तरह के जो चार्जिंग पॉइंट हैं वो भी फ्यूचर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। और इस साइड में आप देखेंगे तो ये भी रेड कलर की काफ़ी जबरदस्त कार दिखाई दे रही है, ब्यूटी बॉर्न इन UK। और ये कम्प्लीट जो आप जो देख पा रहे हैं ये MG का पवेलियन है और इस तरह की जो आप लोग का क्राउड देख सकते हैं। और अभी हम चलते हैं आगे 0 डेस्टिनेशन में। तो यहाँ भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की कार्स और इस तरह के जो व्हीकल आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली ऑटो एक्सपो 2023 इंडिया एक्सपो सेंटर का ये व्लॉग आपको कैसा लगा? इसी तरह के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस और व्लॉग ऑटो एक्सपो 2023 से रिलेटेड मैं और लाने वाला हूँ। इनफैक्ट कंप्लीट सीरीज ऑटो एक्सपो 2023 की मैं लाने वाला हूँ। तो कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।